यमुनानगर जिले के गांव टापू कमालपुर में कभी भी यमुना का पानी गांव के अंदर घुस सकता है और यमुना नदी के तेज बहाव से भूमि कटाव तेजी के साथ गांव की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में ना सिर्फ ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है बल्कि प्रशासन भी 24 घंटे तीखी नज़र बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि यमुना नदी और गाँव के बीच में महज 500 मीटर की दूरी है और खुदा ना खास्ता अगर 500 मीटर की दूरी मिट गई तो यह गाँव ना सिर्फ बाद होगा बल्कि इसके लगते आसपास के गांव भी बाढ़ की गंभीर चपेट में आ जाएंगे। टापू कमालपुर गांव के लोग रात को भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे। उनकी बेचैनी इसीलिए बनी हुई है कि कभी भी पानी गांव के अंदर एंटर कर सकता है और खुद को महफूज रखने के लिए गांव के कई परिवारों ने पलायन करना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान लादकर ग्रामीण गाँव को खाली कर अब आसपास के गाँव में या तो फिर अपने रिश्तेदारों की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुज्जर का कहना है कि प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास जारी है। सेना को मौके पर बुला लिया गया और अब पानी भी कम होने लगा है। हमने सुरक्षा के लिहाज से परिवारों को दूसरे गांव में शिफ्ट भी कर दिया। गौरतलब है कि भूमि कटाव रोकने के लिए खास तौर पर भारतीय सेना की विशेष टुकड़ी को बुला लिया गया लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण भूमि कटाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार ग्रामीणों से संपर्क बनाए हुए है और लगातार जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा और यमुनानगर पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा लगातार टापू कमालपुर में विजिट करने के लिए बार बार जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ग्रामीणों को खास तौर पर निर्देश दिए कि वह घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर या तो फिर अपने रिश्तेदारों के घरों पर चले जाएं, जिसके लिए बार बार लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है। तो इस समय की लगातार हम आपको तस्वीरें यमुनानगर के गांव टापू कमालपुर से दिखा रहे हैं। जी हां, यमुनानगर जिले में गांव से कई गांव पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और इनमें से टापू कमालपुर गांव का नाम इस समय नंबर 1 पर आ रहा है। जी हां, यमुना नदी के तेज बहाव से भूमि कटाव गाँव की तरफ बढ़ रहा है और सेना की लगातार मदद ली जा रही है लेकिन लोगों को अपनी जान का डर जो है वो हर समय सता रहा है, जिसके चलते कई परिवार अब अपना सामान लेकर गांव छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षित स्थानों पर जाने की लगातार गांव वालों से अपील की है। मौके पर आप देख सकते हैं यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त दौरे पर जा रहे हैं और लोगों से खासकर अपील। सामान लाद के कहां जा रहे हैं भाई? गांव से बाहर जा रहे हैं, कहीं अपने रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो ठिकाना लाओगे हम अपना। तो क्या हुआ ऐसा जो आप कटाव लग रहा है? कोई लोग नहीं आ रहे वहां फिलहाल, लग रहा प्रशासन का काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। तो क्या पानी पर ज्यादा पड़ गया? ज्यादा लग रहा भाई, खेत खेत गिर लिए, 2 किले खेत गिर लिए अपने गिर लिए 2 खेत, जंगल भी आधा जा जा लिया। कोई रोक तो कोई ठोकर नहीं आया जो आप उधर रोक सको पानी ना, उसका कोई संविधान नहीं है। तो अब, पानी के कारण क्या क्या नुकसान हुआ है? पानी के नुकसान तो सारी हो गई, मान लिया अपने खेत भी जान लग रहे, गाँव भी चले जाओगे जैसे, और भाई कुछ नहीं आया भाई, अपना गाँव छोड़ गए रे, मार्ग में कोई इसका कोई वो नहीं है। तो कल आर्मी भी आई थी गाँव में, आर्मी क्या करी तेरे बेटे गए रही उसमें वो भी आ जाए नहीं। तो प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है? काम तो कर रहे हैं, बाकी उसका तो कोई नहीं हाल। अच्छा टीचर साहब बोल गए भाई अपना कहीं और मान ले अपना सामान निकाल लो, अपना कहीं लवो धो कहीं तेजी हो या स्कूल हो यूनिवर्सिटी जो। तो अभी कहाँ जा रहे हो आप लोग भाई? अपने रिश्तेदारी में जाएंगे यहाँ और कहाँ जाएंगे भाई? तो डंगर वगैरह कम सामान सुमून तो जाएगा, डंगर भी जाए हमारे भाई। तो हालात ठीक नहीं है? हालात खराब नहीं है भाई। ममतेश जी, आप अपने सामान क्यों बांध रहे हो यहाँ से? जब ना आ रही थी उधर पार्टी हुई, कोई सरपंच या कोई मतलब डीसी से मना कर गए जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि अपना सामान पैकअप कर लो यहाँ से। तो अभी यहाँ पे आ सकती है? तो अभी पानी जो है यमुनानगर रुक गया क्या? रुका हुआ आता है जी, फिर वो क्या कहती है 2 दिन की फिर बारिश आए फिर आ सकती है, खतरा है जी यहाँ पे। तो इसीलिए आप अपना सामान लेके यहाँ से प्लान कर लें? पिछले 3 दिन से बहुत खराब है और बद से बदतर होती जा रही है। अब ग्रामीण अपनी जमीन की चिंता छोड़ करके गांव की चिंता में लगे हुए हैं, उन्हें डर है कि कहीं ये गांव जो है जमीन में जो यमुना नदी में जो है समान आ जाए। अभी हालात ये है और गांव में अब आप हालात देख ही रहे होंगे,
ट्रालियों में लोग अपना जरूरत का सामान लाद लाद के और वो बाहर पलायन की हो रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। अब इसके अलावा कोई चारा नजर हमें आ नहीं रहा है। तो प्रशासन का कितना सहयोग मिल पा रहा है? प्रशासन का सहयोग अपने स्तर पर है, लेकिन दरिया है, प्रशासन भी एक लिमिट तक कर सकता है। अब ये कट्टे लगाए जा रहे हैं, बल्ली लगाई जा रही है, लेकिन दरिया है, इनके आगे क्या करेंगे कट्टे और बलियां? इनमें तो कोई समाधान होता नजर आ नहीं रहा, लगातार बढ़ रहा है। बस ये है, उसका टाइम जो है बढ़ रहा है, जहाँ 6 घंटे में कटाव होना है वो 10 घंटे में 12 घंटे में हो रहा है, लेकिन कटाव तो लगातार जारी है। तो क्या लगता है अभी भारी बरसात के आसार है? अभी तो बरसात की शुरुआत है, अभी पहली बरसात है, ये पहली बरसात में ये हाल है। अभी तो पूरे का पूरा चमासा जो है, बरसात का सीजन जो है बाकी है, अभी आगे ये हालात है। हमें तो ये डर है कहीं गाँव पूरे का पूरा जो है यमुना नदी में ना समा जाए। तो क्या प्रशासन ने कोई इंतजाम किया है लोगों के लिए खाने पीने का, कोई रहने का कोई अलग? प्रशासन का कहना है, डीसी साहब और एसपी साहब मौके पर आए थे, उनका कहना है कि आप लिस्ट बना के हमें दे दीजिए कितने लोगों की व्यवस्था रहने की खाने की करवानी है। कुछ लोग तो परसों भी पलायन कर गए थे, 50 परिवार जो है वो अपने रिश्तेदारियों में मित्र प्यारों के पास जो है चले गए हैं। अब जो लोग जा रहे हैं, कुछ लोगों को रिश्तेदार लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जो साधन संपन्न लोग हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन जो है हमारे गांव की 3400 की आबादी है और लगभग आधी आबादी जो है रोज कमा के खाने वाली है, अब उनकी चिंता तो प्रशासन को ही करनी पड़ेगी ना। टापू कमालपुर गांव में किस तरह की जो है मदद की जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन पूरे जोर शोर से वहां लगाया और सेना को भी वहां पे बुला लिया गया था, और जो इस टाइम जो उपलब्ध था, चाहे पेड़ काट के वहां बांध के पेड़ों को उनको डाल के पानी का जो भाव था उसको बाधित करना, रोकना उस साइड से, ताकि भूमि कटाव वहाँ रुकना चाहिए, तो उसके लिए प्रशासन पूरी उसके साथ जुटा हुआ है। और अब तो पानी भी काफी कम हो गया, मैं समझता हूँ कंट्रोल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से ज्यादा परिवारों ने वहां से पलायन शुरू कर दिया। नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात है। देखिए, जब अगर आपका कटाव, भूमि कटाव चलता रहेगा तो उसके लिए खतरा है, उसके लिए वहां रुकना अच्छा नहीं है, वो तो करना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जिद करके पानी के साथ बैठ जाऊँ और वो आ जाए, तो उससे पहले मुझे अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो वो कोई गलत बात नहीं है, वो करते ही हैं, और कोई आज पहली बार नहीं, गाँव के गाँव पहले बदले इस प्रकार से। लेकिन आज सरकार के पास संसाधन ज़्यादा है, इसलिए सरकार उसको कंट्रोल कर लेती है, पहले ऐसे संसाधन नहीं थे, और अब सरकार ने किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको वहाँ तक नहीं जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ तक कोई कटाव नहीं जाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि पहले अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए।